फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रमैयास टेरेस गार्डन। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किचन वेस्ट से आप किस तरह से खाद बना सकते हैं, क्योंकि मैं बनाती हूँ, मैं अपना मेथड आपको दिखाने जा रही हूँ। तो मैंने कुछ किचन वेस्ट में से ये सब्जी के छिलके लिए हुए हैं, कुछ बनाना पील्स हैं, वो मैंने इकट्ठे कर लिए थे। ये अंडे के भी छिलके हैं, इसमें अंडे के छिलके हैं, देखिए। और फ्रेंड्स, ये चाय की पत्ती है। चाय की पत्ती फ्रेंड्स मैं कभी भी अपना वॉश बेसन के अपने वॉश बेसन में नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो ड्रेनिंग सिस्टम को ये ब्लॉक करता है और नुकसान देगा। तो नुकसान क्यों करना, इसको जहाँ अच्छा इस्तेमाल हो सकता है खाद बनने में, वहाँ इस्तेमाल कर लेती मैं इसको। तो और कुछ अपने जब गार्डन में सफाई करती हूँ तो मैं पत्तों को फेंकती नहीं हूँ, बल्कि उसको संभाल के किसी बोरे में या किसी कट्टे में रख लेती हूँ। तो इस तरह से, तो अब मैं आपको प्रोसीजर दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से खाद बनाती हूँ। ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है मेरे पौधों के लिए। और तो पहले मैंने इसमें कुछ थोड़े से पहले से मिट्टी डाला हुआ है। ये बिना होल वाला मेरा गमला है 12 इंच का, तो पहले से मैंने कुछ मिट्टी डाला हुआ है इसके बेस में। तो सबसे पहले मैं इसमें सूखे पत्ते डालती हूँ। उसके ऊपर एक लेयर, एक परत मिट्टी डाल दिया मैंने। और उसके बाद ये जो बनाना पील्स है वो मैंने डाल दिया इस तरह से। और ये जो सब्जी के छिलके हैं, वो भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसमें जब आप इसको इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्मेल आएगी, क्योंकि आपने 2 दिन या 1 दिन का इकट्ठा किया होता है, तो इसमें ऐसे अनकम्फर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो थोड़ा बहुत स्मेल तो आएगी ही। मैंने सारा सारे जितने मैंने छिलके इकट्ठे किए सब इसके अंदर में डाल दिया है। और ये चाय की पत्ती, ये सब कुछ मैंने यहाँ डाल के मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा दबा दिया इसको मैंने, और फिर इसके ऊपर मैंने मिट्टी भर दिया है। फिर अगर ये भी काफ़ी इसमें जगह है तो सेम प्रोसीजर में दोबारा रिपीट करूँगी इसको, नेक्स्ट टाइम के लिए इसमें जगह है काफ़ी सारा। तो ये जो अभी मैंने प्रोसीजर अप्लाई किया है, जिस तरीके को मैंने जिस तरीके से बनाया है पहले, अभी उसी को मैं दोबारा अप्लाई करूँगी। तो मैंने इसी तरह से मैंने और भी खाद बना रखे हैं, तो आपको मैं दिखाने जाती हूँ वो पहले के बने हुए खाद किस तरह से दिखते हैं। इसमें अभी समय लगेगा, 15-20 से 1 महीना तक लग जाता है अच्छे से डिकम्पोस्ट होने में। तो आपको मैं जो मैंने पहले से खाद बनाया वो मैं दिखाती हूँ। तो जो मैंने पहले बनाया हुआ है उस तरह का, उस वाले तरीके से, वो इस तरह से दिख रहे हैं अभी, जब भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो इसको जब भी मैं बनाती हूँ खाद को, तो इसको मैं कवर कर देती हूँ ऊपर से, ताकि अंदर से उसके जो बनाने का उसका प्रोसीजर है वो अच्छी तरह से बन पाए, अच्छी तरह से गल जाए। और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो कंप्लीट हो चुका है आप देखिए इस तरह से दिख रहा है। अब इस देखने में ही लग रहा है कि कितना उपजाऊ ये मिट्टी बन गया है, मतलब खाद बन गया है ये। तो ये बहुत ही फायदेमंद है हमारे टेरेस गार्डन पौधों के लिए, किसी भी पौधे के लिए। तो अब मैं जब भी इस तरह से खाद बनाती हूँ उसको कवर जरूर करती हूँ। तो इस तरह से अपने द्वारा बनाए गए किचन वेस्ट से, ऑर्गेनिक कंपोस्ट से मैं अपने पौधों में डालती हूँ, ताकि मेरे पौधे हरे भरे और खुशहाल रहें, हेल्दी रहें। तो जब भी मैं इस तरह से ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाती हूँ, तो कभी गमला तो आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई बंद ढक्कन का बाल्टी भी ले सकते हैं, और उसको कवर जरूर रखना है, जैसे कि मैंने इसको कवर कर दिया है, जब तक कि ये पूरी तरह से बन ना जाए, खाद ना बन जाए और सारे इसके अंदर से सामान जो डिकम्पोज ना हो जाए।
तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं अपने बगिया को हरे भरे रखती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे सुझाव भी दें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।